Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सुनाट ठाकुर और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे बेस्ट रियल एस्टेट बनने का। चाहते हो द बेस्ट, एकदम जबरदस्त, तो अब आगे सुनो। क्या द बेस्ट कैसे बनोगे? देखो, जैसे ही कोई काम करो, ये सोच के पहले दिन ये आप ऐसा सोच लो दिमाग में कि मुझे इस फील्ड में एकदम बेहतर होना है, टॉप पर जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे रियल एस्टेट में द बेस्ट बनना है तो मुझे मेरा नॉलेज बेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत मस्त नॉलेज लेना है जिससे कि आप बेस्ट रहो। तो पहले किस चीज का नॉलेज आप लोगे? अपने लोकैलिटी का, आसपास के एरिया में मेरे से ज्यादा कोई जानकार नहीं होना चाहिए रियल एस्टेट में, तभी मैं द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा। कैसे? मेरे एरिया में मेरे से ज्यादा सब कुछ पता है, इसके बाजू में क्या है, होटल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, ये कितना डिस्टेंस पे, यहाँ क्या है, पानी है नहीं है, क्या आने वाला क्या है, पहले क्या था, इसका क्यों, इतना नॉलेज चाहिए कि सामने वाले से डबल। सब खेल नॉलेज का है, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा, जो ज्यादा नॉलेज रखेगा, नॉलेज का खेल है। तो मैं पहले दिन से ही, मुझे अगर बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो नॉलेज में भी बेस्ट होना पड़ेगा। फिर क्या, मेरे वर्क एथिक में मैं द बेस्ट रहूंगा। कोई अगर 8 घंटा करता है, मैं 10 घंटा करूंगा, 10 घंटा करता है 12 घंटा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं इनपुट डालूंगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो मुझे बेस्ट वर्क एथिक भी रखना है अगर बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो, हाँ, बेस्ट एकदम। तो मुझे मेहनत ही बनना पड़ेगा जो मैं काम करूंगा, मतलब अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा लगातार। मेन चीज अगर मैं बताऊं तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग समझते ही नहीं कि इस बिजनेस में सीखने की भी जरूरत है, बस बन गए, बस डील कैसे हो जाए। पर जो समझदार है, जो बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट है, वो लगातार सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर ग्रोथ करते रहते हैं। तो मेहनत में मैं द बेस्ट रहूंगा तो मैं द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा। अगर मुझे सबसे ज्यादा जानकारी होगी अपने एरिया की तो सबसे ज्यादा पैसा मैं बनाऊंगा। उसके बाद क्या, मुझे पेपर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, पेपर्स का लीगल क्या क्या रहता है, एमओयू क्या रहता है, लीव एंड लाइसेंस क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, और क्या क्या, स्टैम्प ड्यूटी कहां लगती है, रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, एनओसी का क्या चक्कर है, बैंक के क्या पेपर लगते हैं, सब कुछ मुझे एकदम परफेक्ट आने चाहिए। नहीं आए तो अभी भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं है। पर अगर मुझे बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो क्या करना है, पहले आप अपने लोकेलिटी का एकदम बेस्ट नॉलेज लो। उसके बाद क्या आपने किया, आप वर्क एथिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वर्क एथिक, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क में द बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद शोइंग, जब आप प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो तो बेहतर तरीके से दिखाऊंगा कि ऐसे बताऊंगा, ये कजारिया का टाइल है, पॉली कैप के वायर है, इसने ये लगा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, प्लम्बिंग क्या है, फिटिंग जगवा का है, ये खिड़की खोल दो, ये ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, ये किचन का साइज है, ये इतने स्क्वायर फीट का है, इसके बाजू में ये है, मतलब जो भी है। जब मैं दिखाने जाऊं तो मैं बेस्ट दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे खड़ा हूं और वो बोल रहा है ये क्या है सर, ये तो मेरे को भी पता नहीं है, वो क्या है, तो ऐसे नहीं। सब कुछ अपने को एकदम बेहतर, तो इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाओगे। और जितना आप प्रिपेयर करोगे, जितना आप नॉलेज लोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना बायर जो है, जो प्रॉपर्टी खरीदता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। कॉन्फिडेंस कभी ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगाने से आएगा, जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, जानकारी लोगे, कॉन्फिडेंस आता है उसका। एक ही तरीका है किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होने का, उसका बहुत नॉलेज लो। तो आपको सब पहले से ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए, अचानक कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार होता है, मैं देखता हूं कि सामने वाले को मेरे से ज्यादा पता है कि ये क्या होने वाला है, बिल्डर को होने क्या साइज है, कितने फ्लैट है, कौन से फ्लोर पे है, कैसा है, डायरेक्शन पूछ लिया, ये कौन सा डायरेक्शन है, सर मेरे को भी नहीं मालूम। अरे सब पहले से प्रिपेयर करके जाओ। तो आपको क्या होना चाहिए, फ्लैट दिखाने में बेस्ट किस में होना चाहिए, नेगोशिएशन में। ये आपकी सारी, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रियल एस्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेहतर हो निगोशिएट करने में।
कि वो बंदा एक बार खरीद बेच रहा है, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए और किसमें प्राइस का कंपैरिजन करना आना चाहिए आपका। वो अगर बोलता है कि वो इतने में बेच रहा है तो आपको फर्क बताना चाहिए कि वो इतने में बेच रहा है, वो क्या दे रहा है, मैं बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या है, इसमें बहुत अच्छा आपको होना चाहिए। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पे आप बेस्ट रहोगे तो आप बेस्ट रियल्टर बन जाओगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का। तो आज से अभी से आदत डालो कि अपने आप को मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं अपने एरिया का द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा और उसके लिए मुझे अपने लोकेशन की सबसे ज्यादा जानकारी होगी तो सबसे अच्छा रहूंगा। जब मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा तब सबसे अच्छा बनूंगा। सबसे अच्छा मुझे पेपर वर्क का पूरा नॉलेज होगा, मैं जानूंगा ये प्रॉपर्टी सही है गलत है या इसमें कुछ हेर फेर तो नहीं है या पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, सारी चीजें मुझे जानना चाहिए। बैंक में कौन से पेपर लगते हैं, क्या करना पड़ता है, वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा, कहां कहां अड़चने आ जा सकती है, तो मैं उसे समझाऊं ये सारी चीजें। इसी चीज का हम पैसा लेते हैं। उसके बाद जब फ्लैट दिखाने जाऊं तो मैं एक्साइटेड रहूं, जोश में रहूं, हंसता रहूं, लोगों से बातचीत करूं और बताऊं सब कैसे, सब हर एक चीज वो समझ जाए। एक बार देखने के बाद कुछ सवाल शक रह ना जाए उसके अंदर, ऐसे मैं फ्लैट दिखाऊंगा। निगोशिएट करने बैठूंगा तो दुनिया का सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर बनूंगा, क्योंकि मुझे पूरा प्राइस कंपैरिजन का पता है कि क्यों ये चीज सस्ती है और अच्छी है, ये लेने से उसका फायदा है, मैं ये कन्विंस कर सकता हूं। कोई भी आदमी अगर उसके पास पैसा है तो वो वहां से टोकन करके उठेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो अगर कुछ सुझाव देना है, क्योंकि कमेंट से ही मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, रियल एस्टेट में इतना बेहतरीन आपको जो देने वाला नॉलेज बहुत कम चैनल मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।